गुड मॉर्निंग एवरी वन आप आ चुके इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अभिनंदन है हम पैराग्राफ राइटिंग में आगे बढ़ रहे हैं जी हाँ हमने विजिट टू फेयर फेस्टिवल्स इन सबसे रिलेटेड पैरेग्राफ बनाना सीख लिया है यस अब अब आते हैं दुर्घटनाओं पर जिसमें एक डूबने की दुर्घटना है एक हाउस ऑन फायर इस तरह का पूछा जाता है आपसे हाउस ऑन फायर और एक रोड एक्सीडेंट जनरली ये तीन आपके पूछे जाते हैं रोड एक्सीडेंट हाउस ऑन फायर ड्राउनिंग एक्सीडेंट आपने कैसे बचाया है ना तो इस तरह का चलिए आज हम बात कर रहे हैं अ हाउस ऑन फायर हाउस ऑन फायर या इसे कह दो अ फायर एक्सीडेंट अ फायर एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट तो अब क्या कोटेशन लिखे एक्सीडेंट में क्या लिखे जब दुर्घटना हो जाती है तो आजकल देखो लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं वो बेचारा दुर्घटना वाला पड़ा रहता है तो उसको उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाते किसी घर में आग लग गई तो वीडियो बना रहे हैं जो नहीं कि जाकर पानी डालें फायर ब्रिगेड बुलाएं कुछ ऐसा काम करें सब वीडियो बनाने में मश तो एक्सीडेंट तो लोगों की संवेदनाएं शायद मर चुकी है लोग इन दुर्घटनाओं को भी मनोरंजन के दृष्टि से देखते हैं इसलिए ऐसा ना हो कहीं किसी दिन आप पर मुसीबत आ जाए ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं तो आइए लिखते हैं गॉड हेल्प who help who help अदर्स थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं God helps those who help who help the lichda who help help others in difficulty ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं जी हां यह कोटेशन आप लिख दें और आप स्टार्ट करें आपका पैराग्राफ तो हम कह सकते हैं कैसे घर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट हो गया जल्दी इतनी मची है लोग रोड पे एक दूसरे से आगे पहुंचने के चक्कर में रहते जल्दी घर जाना है अरे भाई इतनी तेज मत चलो अरे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे तेज चलोगे हरिद्वार मिलेंगे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे तेज चलोगे हरिद्वार मिलेंगे तो घर नहीं जा रहा क्या तो घर जाने के लिए आराम से चलो काय की जल्दी दो मिनट पांच मिनट देर से पहुंच जाओगे कौन सा पहाड़ टूट गया है तो ऐसे जल्दबाजी में घरों से निकल जाते हैं मेन स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है घर में आग लग जाती है दुकान में गोडाउन में आग लग जाती है जलकर संपत्ति खाक हो जाती है ये जल्दी है ये जल्दी है तो नाव डेज एवरीबडी इज इन हरी Everybody is in a hurry, so accidents are have become very common. Very common in very common these days. Nowadays, everybody is in a hurry. हर कोई जल्दबाजी में रहता है so accidents are have become very common in these days. These days, तो इन दिनों दुर्घटना एक आम बात सी हो गई है जल्दबाजी में रहते हैं हाँ इट वॉज संडे देखिए हाशिए का कॉलम It was Sunday. My parents were not at home. I was watching. क्रिकेट मैच ऑन टीवी सडनली क्या हो गया सडनली I heard a loud noise from outside. Outside, I at once went there. I saw a house on fire in our colony. Many people gathered. दे बात समझ में आई क्या क्या समझ में आई फायर एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये आजकल बड़ी आम बात हो गई है एक दिन क्या था कि रविवार का दिन था मेरे पेरेंट्स तो घर पर नहीं थे मैं बेटा बेटा टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था तभी मुझे एक बाहर से शोर सुनाई दिया ऐसा ऑन फायर बाहर गया तो पता लगा हमारी कॉलोनी के एक घर में आग लग गई है मैनी पीपल गेदर्ड देर वहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे है न देवर Crying loudly for help. Some were throwing. वाटर वाटर टू पुट आउट द फायर सम वन थ्रोइंग वाटर टू पुट आउट द फायर कुछ लोग आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे अब मैं क्या करूं आई एट वंस आई एट वंस टेलीफोंड telephoned the fire brigade telephoned the fire brigade it arrived arrived there विद इन टेन मिनट्स दस मिनट में वहां आ पहुंची फायर ब्रिगेड यस दस मिनट में आ पहुंची फायर ब्रिगेड एंड स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन द फायर वॉज पुट आउट विद इन टू आवर्स दो घंटे में आग बुझा ली गई यहां तक की बात समझ गए चले जी अब घर का मालिक कहाँ था द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज नॉट देयर वैन सम्म him him he came there he came there it was a terrible Terrible fire accident, fire accident, but all the things in the house of the house house were were burnt to ashes it was a great Loss of property, but thank God that there was no loss of life. आइए जानते हैं हा क्या क्या हुआ चलिए स्टार्टिंग से बात करते नाव ए डेज एवरीबडी इज इन ए हरी आजकल हर लोग जल्दी में हर व्यक्ति जल्दी में होता है सो एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन दीज डेज इसलिए दुर्घटनाएं आजकल आम बात हो गई हाँ? हर कोई भागता है दौड़ता है इट वॉज संडे रविवार का दिन था माई पेरेंट्स वर नॉट एट होम मेरे माता पिता घर पर नहीं थे और जब पेरेंट्स घर पर नहीं होते संडे के तो अपन मस्त हो जाते फुल एंजॉय करते हाँ कोई म्यूजिक सिस्टम की वॉइस लाउड वॉइस में डांस करेगा सुनेगा तो मैं भी आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच वॉचिंग a क्रिकेट मैच ऑन टीवी सडनली आई हर्ड अ लाउड noise फ्रॉम आउटसाइड अचानक बाहर से कुछ शोर सा सुनाई दिया आई एट वेंट देयर मैं तुरंत वहां गया तो देखा क्या देखा a house ऑन फायर इन आवर कॉलोनी तो मैंने देखा कि हमारी कॉलोनी की एक घर में आग लगी हुई थी हाँ स्क्रीन शॉट भी ले लिया करो चलो पहले यहां तक का ले लो स्क्रीन शॉट ले लो यस जल्दी वेरी गुड आई सॉ ए हाउस ऑन फायर इन अवर कॉलोनी मैनी पीपल गैदर्ड देयर वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए थे देवर क्राइंग लाउडली फॉर हेल्प वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे सम वर थ्रोइंग वाटर टू पुट आउट द फायर कुछ लोग आग बुझाने के लिए पानी उस पर फेंक रहे थे आई एट वंस टेलीफोन द फायर ब्रिगेड तो मैंने भी अपना फर्ज निभाया अरे भाई आपका भी कोई तो फर्ज बनता है मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को टेलीफोन कर दिया <coughs> 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 गया इट अराइव्ड देयर विद इन टेन मिनट्स दस मिनट में यहां वहां पहुंच गई एंड स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशंस और तुरंत बचाव कार्यवाही प्रारंभ कर दी द फायर वाज पुट आउट विद इन टू आवर्स दो घंटे में आग बुझा ली गई थोड़ा सा कर रहा हूं दो घंटे में आग बुझा ली गई कहाँ गया द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज नॉट देयर वेन समन इन फोर्ट हिम ही केम देयर वो वहां आ गया यहाँ एक बात लिखनी पड़ेगी आया तो देख के कुछ तो हुआ होगा तो बेहोश कर दो जो बेहोश हो गया तो लिख देते एक बात यहाँ पर देखो जी इनफॉर्ड uh, हिम इस लाइन को यहां से थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा ना व्हेन व्हेन ही केम बैक व्हेन ही केम बैक He became unconscious, unconscious looking at the condition. ऑफ हिज हाउस यहां थोड़ा सा इस तरह से कर दे वेन बैग जब वो वापस आया ही बिकेम अन्कॉन्शियस लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ हिज हाउस तो अपने घर की दशा देख कर वो बेहोश हो गया बेहोश हो गया फिर उसमें आएगा है ना लिख दो लिखना चाहो तो। तुम आफ्टर एवाइल थोड़ी देर बाद द पीपल मेड हिम कंफर्ट कुछ समय बाद लोगों ने उसे सांवना दी दिलासा दी हाँ कि यार कोई बात नहीं अपन तो बच गए अरे यार जान है तो जहान है क्या हुआ जल गया तो दोबारा बन जाएगा लेकिन तू तो बच गया अगर घर में बच्चे पत्नी होते तुम होते और ऐसा हो जाता तो फिर क्या करते उसके बाद समझ में आई उसके बाद समझ में आई कि हाँ या। या। ये तो सही बात है जान है तो जहान है मेड हिम कंफर्ट इट वॉज ए टेरिबल फायर एक्सीडेंट हा यह एक भयावह अग्नि दुर्घटना थी यह बात सच है यह एक भयावह अग्नि दुर्घटना थी कहा गया ऑल थोड़ा सा इधर ले रहा हूं ऑल द थिंग्स ऑल द थिंग्स ऑफ द हाउस वर बर्ंट टू एशेस जलकर राख हो गई थी सारी की सारी इट वॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ये धन संपत्ति का तो एक बड़ा नुकसान था बट थैंक गॉड लेकिन भगवान को लख लख धन्यवाद देट देर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ कि कोई जीवन क्षति नहीं हुई जन नहीं हुई किसी का जीवन नहीं गया ये बहुत बड़ी बात तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए यस वेरी गुड अब हम बात कर रहे हैं हमने ये फायर एक्सीडेंट बनाया है फायर एक्सीडेंट आग से होने वाली दुर्घटना ये तो मैंने घर में आग लगाई अरे आग दुकान में लग जाए तो भी बात तो यही होगी यार अब घर की जगह शॉप लिख देना अब वो कपड़े की दुकान है तो कपड़े की लिख देना कोई और सामग्री की दुकान स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी लिख देना कागज है जलकर तुरंत काक हो जाएंगे है बाकी सब बातें यही है अब यहां लोगों की जगह आसपास के शॉप की पर्स कर देना या लोग भी लिख दो भीड़ हो गई तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है तो आइए जी डू यल्फ एफ आयर A fire, a shop, a mall, a shop, a mall, a fire, a shop on fire in the मार्केट या इन द मेन मार्केट इसको आप बनाइएगा जी और एक और बनाइएगा अ रोड एक्सीडेंट अ रोड एक्सीडेंट डूबने की घटना ड्राउनिंग एक्सीडेंट वो मैं तैयार करवाऊंगा जी हां ड्राउनिंग एक्सीडेंट में तैयार करवाऊ तो किस तरह से आप बनाते हुए चले ये प्रैक्टिस आपको करनी है भाई क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आगे बढ़ते चले जाओगे करत करत अभ्यास के जड़मत हो ये सुजान अपने लक्ष्य को निर्धारित करो आगे बढ़ो ये जागृति क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ बना हुआ है हर संभव आपकी मदद कर रहा है आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में यस और लक्ष्य तक पहुंचा कर दम लेंगे ऐसा हमारा वादा है आपसे तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और हम अपनी मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे बात समझ में आ रही है समझ में आ रही है बात बहुत अच्छे ढंग से आ रही है चलिए तो अब इसके बाद आगे के पैराग्राफ को कंपोज करेंगे हम बनाएंगे अगले क्लास में तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए है। मिलते हैं अगले क्लास में